tan इसको हमने क्या माना था थीटा यहाँ पे एक गलती है इसको तो सुधार तो लेते हैं यहाँ पे 1/2 होगा 1/2 cos इनवर्स अंडर रूट 5/3 तो ये हो गया tan थीटा 2 अब tan थीटा 2 को हम कैसे निकाल सकते हैं जबकि हमें गिवन है cos थीटा 11th क्लास में पढ़ चुके हैं 1 minus cos थीटा सके इक्वल होता है वन माइनस कोस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट टू वन प्लस कोस थीटा होता है टू कोस स्क्वायर थीटा टू तो ये हो गया टेन थीटा थीटापोन टू तो यानी टेन थीटा पॉइंट टू इसके इक्वल होता है वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा ये स्क्वायर के इक्वल है तो हम यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा देख सकते हो कि इसको सॉल्व करके हमारा टेन थीटा बाई टू ही आएगा तो बस अब हमारे पास वैल्यू है ही कोस थीटा की जगह अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री दोनों जगह हम पुट कर देंगे और ये हमारे पास ये वैल्यू निकालनी थी तो बस आंसर आ जाएगा थ्री थ्री माइनस रूट रूट फाइव फाइव प्लस और इसको अगर कर लेंगे तो ऊपर तो आ गया थ्री माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो नाइन माइनस फाइव फोर तो स्क्वायर रूट हटके थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू ये किसकी वैल्यू आ गई टेन हाफ कोस इनवर्थ अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री की तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी बच्चों को याद नहीं रहती ज्यादातर